प्रतिशत लोग इस्लाम छोड़ देंगे जैसे पाकिस्तान में छोड़ रहे हैं। इवन अब तो सऊदी अरब में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, औरतें इस्लाम छोड़ रही है। 90% लोग इस्लाम छोड़ देंगे बोल रहा है इन्हें। अरे पागल, यति नरसिंहानंद आतंकवादी पांचाली के बेटे, सुन, आदम अलैहिस्सलाम जब पहले इंसान जमीन पर आए थे और मुसलमान थे, जब मंदिर पूजा, घंटा पूजा, लिंगम पूजा, जानवर पूजा, पत्थर पूजा, मूर्ति इंसानों की पूजा नहीं थी, सूरज चांद तारों की इबादत नहीं थी, एक अल्लाह की इबादत थी। जब से इस्लाम है और खयामत तक रहेगा इंशाअल्लाह, ताकि तुम जैसे आतंकवादियों से निपट सके, तुम जैसे हरामियों से निपट सके, इस्लाम छोड़ देंगे। आज भी जाके गूगल करके चेक कर ले जाहिल, गोबर और गौमूत्र से बाहर निकल, तू और पुष्पेंद्र दोनों भी, और देख ले फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम लोग खुद पुकार ले रहे मुसलमानों मेजोरिटी में आ जाते हैं, मुसलमानों मेजोरिटी में आ जाते, तुम लव जिहाद का कानून ला लिए, एंटी कन्वर्जन कानून ला लिए, सब ला के रोक नहीं जा रही, इस्लाम नहीं रुक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम नहीं रुक रहा। हक है, एक अल्लाह मालिक जो सारे संसार को पैदा करा चला रहा, उसी का करम और फजल है इस्लाम फैलते जा रहा, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंडिया में। देखे न्यूजीलैंड का बच्चा आके 10 विकेट लिया सो पटेल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की बड़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इस्लाम को खत्म करने वाले खत्म हो गए, हामान खत्म हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में, फिरौन खत्म हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, अबू जहल खत्म हो गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, कई हरामियां आए खत्म हो गए, रशियन एम्पायर खत्म हो गई, पर्शियन रोमन एम्पायर खत्म हो गई, अमेरिका नाटो मट्टी चाट लिया अल्हम्दुलिल्लाह पड़ोस में, अल्हम्दुलिल्लाह हम है अल्लाह के फजल से और रहेंगे। एक अल्लाह की इबादत आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म श्री राम श्री कृष्णा भी दिए, उन्होंने भी अल्लाह की इबादत करते थे, वेदा गीता उपनिषद और पुष्पेंद्र पढ़ो जाहिलो, पांचाली के बेटो निकलो गोबर और गौमूत्र से सीखो, नहीं तो हमसे सीखो, एकम विदित्यम एकम ब्रह्म दित्य नास्ते ने नास्ते किंचन न तस्य प्रतिमा अस्ति, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, लैस कमिस्लिही शयइन, एक ही इलाह रब है, उसका कोई पार्टनर नहीं, उसके माँ बाप भी बच्चे नहीं, उसका कोई आकार नहीं बना सकते, उसी की पूजा से स्वर्ग वरना नर्क, जानवर पत्थर मूर्ति लिंगम पूजा से नर्क, एक रब की इबादत से स्वर्ग। जैसे मुझे मार देंगे अगला नंबर दूसरे किसी का आ जाएगा, तो अगला फतवा पुष्पेंद्र जी का, तो जब तक ये हम सबको मार नहीं देंगे या हमारे बच्चे को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक ये फतवे चलते ही रहने हैं। जब तक हम लोगों को मार नहीं देते ये चैन से नहीं बैठेंगे बोल रहा है यति नरसिंहानंद आतंकवादी। अबे पांचाली के बेटे सुन, तू और पुष्पेंद्र पांच बाप के औलादो सुनो, क्या है देखो, हम सिर्फ आतंकवादियों से लड़ना पसंद करते, शैतान शैतान के पिल्लों से लड़ना पसंद करते, आरएसएस वीएचपी बजरंग दल आईसीस बोको हराम आतंकवादी, हम उनसे लड़ते, हमें ये लोग नहीं चाहिए देश को दुनिया को बर्बाद करने के लिए। इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बाप ने खुद पसीना लगाया 71 की जंग में भारत बचाने, तुम्हारे बाप सावरकर के साथ अंग्रेजों के तलवे नहीं चाट रहा था, मेरे को माफ कर दो बोल के माफिया नहीं मांग रहा था, मैं आपका वफादार रहूंगा बोल के गोवलकर सावरकर अंग्रेजों के जो तलवे जाट के वफादार बन गए थे, अंग्रेजों के दलाल बन के देश के खिलाफ गद्दारी करे, हम वो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम देश बचाने वालों में से है, और सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ है जो लिंचिंग करते, मासूमों को मारते, आश्रमों में रेप करते, मंदिरों में रेप करते, चिन्मय आनंद, आसाराम, गुरमित राम, सेंगर, हम ये आतंकवादियों के खिलाफ है जो जोधा का रेप कर रहे हैं, हमारे पास जोधा रहती रानी रहती, तुम्हारे पर रेप चल रहा आश्रम मंदिरों में, तो हम वो आतंकवादियों के खिलाफ है। हम हिंदुस्तान के अंदर 1000 साल हुकूमत करे, मासूम हिंदुओं को हम हाथ नहीं लगाए, इसीलिए आज हम माइनॉरिटी में तुम मेजॉरिटी में है अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 साल जोधा को रानी बनाए, मानसिंह को जनरल बनाए, आज जोधा आश्रम में मालिश कर रही चिन्मयानंद बुड्ढे हरामी की, आरएसएस आतंकवादी की, और मानसिंह सुसाइड करके मर रहे आज, किसान मजदूर देखो सुसाइड में मर रहे। तो मैं ये कहूंगा हम मासूमों को नहीं हाथ लगाते, अल्लाह ने फरमाया एक मासूम को मारना सारे इंसानों को मारने के बराबर, एक मासूम को बचाना सारे इंसानों को बचाने के बराबर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क के बाद बदतरीन गुना मासूम का खतर, कोई भी धर्म के मासूम को हाथ लगाना नहीं चाहते, आतंकवादियों को हम छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह, कहीं भी नहीं छोड़े,
यहां पर भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आतंकवाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आतंकवादी बोलकर बैन किया था, नर्क पहुंचाया था, हम भी बैन करेंगे इंशाल्लाह। मासूमों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं। ये बताएं मोहम्मद साहब के दामाद का कत्ल नरसिंहरंग ने किया था, मोहम्मद साहब की बेटी बीवी फातिमा का कत्ल किसने किया था, उनके नवासों की गर्दनें किसने काटी थी? आरएसएस ने, बीजेपी, नरसिंहरंग ने, पुष्पेंद्र ने। पुष्पेंद्र तू बोल रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटी दामाद को कौन कत्ल करे? अरे पागल, बेटी को कोई भी कत्ल नहीं करे। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, रुखैया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह तआला अन्हा या ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा को कोई भी कत्ल नहीं करे अल्हम्दुलिल्लाह। दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करे जो खारजी थे, जो तुम्हारे अब्बा थे पुष्पेंद्र, उन्हों कत्ल करे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा को रावजी कत्ल करे, तुम्हारे अब्बा। ये रावजी और खारजी संगियों के अब्बा है, इन्होंने कत्ल किया, आतंकवादी थे ये लोग, इसलिए हम आतंकवादियों से लड़ते आज तक, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को आतंकवादियों ने खत्म किया, नवासों को, खारजियों ने, रावजियों ने। और आज मासूमों को तुम लोग खत्म कर रहे हैं लिंचिंग में, रेप्स, गैंग रेप्स और मर्डर में, मुसलमानों को, एससी एसटी को, दलितों को तुम आतंकवादी आरएसएस के वीएचपी बजरंग दल के मार रहे हैं। तो इसीलिए हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, सहाबा के दौर में भी तुम्हारे अब्बा से लड़े, फिर तुम्हारे और एक दूसरे अब्बा आए थे अंग्रेज, उनसे लड़े, तीसरे अब्बा यहूदी इसराइल में है उनसे लड़े, चौथे अब्बा कम्युनिस्ट रशिया में थे उनसे लड़े, और पांचवे अब्बा तुम्हारे यहां है सावरकर गोवलकर, अब उनसे हमारा टेंशन चल रहा। पांचाली के बेटे हैं ना आप लोग, तो पांचों अब्बा से लड़े हम आपके पुष्पेंद्र, यति नरसिंहानंद, आरएसएस के आतंकवादियों, वीएचपी बजरंग दल के आतंकवादियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल तुम्हारी मुंडी कैसा कुचले थे, इलियास शरफुद्दीन स्लेव ऑफ अल्लाह इंडियन आर्मी नायक का बेटा, इंशाल्लाह तुम्हारी मुंडी हम भी वैसा कुचलेंगे, मैं कह रहा हूं। हम भारत को बर्बाद होने नहीं देंगे, भारत को बिकने नहीं देंगे, भारत को गुलाम होने नहीं देंगे, आजाद हम करा इंशाल्लाह मेंटेन भी करेंगे इंशाल्लाह। भारत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, दुनिया की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। और तुम बोल रहे हम तुम्हारे को मारते, अरे तुम्हारे को मारते तो फिर तुम सऊदी अरब, खतर, बहरीन जाके भीख कई को मांगते संगिया, टॉयलेट कई को धोते वहां जाके? अरे हम सऊदी अरब वगैरह से तुम्हारे को बुला के नौकरियां दे बोल के तुम्हारी जिंदगियां चल रही, नहीं तो गोबर खा के गौमूत्र पी के मर जाना पड़ता था। यहां मोदी भिखारी कर दिए तुम लोगों को, रोजगार चले गया, कंपनियां चले गए, -25 GDP हो गया, महंगाई आसमान पर, भिखारी कर दिया तुम्हारे को तुम्हारा गुरु मोदी। सऊदी अरब, खतर, बहरीन, कुवैत वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिया तो तुम वहां कमाले के बच गए टॉयलेटा धोके मनुसा, नहीं तो यार गौमूत्र पीना, गोबर खाना, मर जाना, यही था तुम्हारे मुकद्दर में। आज देखो एक लिंचिंग नहीं सऊदी अरब वगैरह में, हम अल्लाह अकबर बोल के किसी गलदर नहीं काटे वहां। तुम दो कौड़ी के हरामी, चार दिन हुआ हुकूमत में आके मासूमों को मारते, किसानों को, मजदूरों को, एससी एसटी को, बच्चियों का गैंगरेप करके मर्डर करते। जुल्म याद रखो बर्बादी लाता, अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया, तुम्हारे बाप रावण और कंस को बर्बाद करा, ये छिट्टे अब्बा है तुम्हारे, छिट्टे पप्पा है, छिट्टे पिताजी, यतीन नरसिंह के छिट्टे पिताजी रावण, सातवें पिताजी कंस, पुष्पेंद्र के छिट्टे पिताजी रावण, सातवें पिताजी कंस, तो पांच चाली है कभी कभी, सात चाली है कभी कभी तुम्हारा। देखो तुम्हारा कैसा तुम्हारा बर्बादी लाते मासूमों पे। तो आज भी सऊदी अरब में इस्लाम है, अमन और सलामती, शांति, उन्नति 80% से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे पास देख लो क्या हाल चल रहे हैं यहां पर। तो समझ रहे भैया, थोड़ा एक अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी की इताअत समझ, कामयाब हो जाएगा, नहीं तो कुत्ते कैसी जिंदगी है, सुअर कैसा मर जाएंगे, याद रखो। और ये कमाल की बात है कि बार बार कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ रिलीजन ऑफ पीस है। अल्हम्दुलिल्लाह रिलीजन ऑफ पीस है इस्लाम, इसीलिए देखो सऊदी अरब वगैरह में अल्लाह के फजल से सक्सेस ही सक्सेस, कोई रेप नहीं, मर्डर नहीं, चिन्मयानंद नहीं, आसाराम नहीं, गुरमीत राम नहीं, आश्रम रेप नहीं, मंदिर रेप नहीं, शमशान घाट रेप नहीं, तुम्हारे पास ये दिन रात चल रहा। देखो जोधा चिन्मयानंद की मालिश कर रही, गैंगरेप हो जा रहा हिंदू बेटियों का, क्राइम में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, भुखमरी में नंबर वन, जलील होके रह गए तुम लोग आरएसएस वाले, बीजेपी वाले, मोदी को जिल्लत मिल गई, जिल्लत, भिखारी बना दिया तुम लोग। देखो क्या है, कैसी तबाही आ रही सऊदी अरब में, तुम लोगों को नौकरियां दिए बोल के बच गए बेटा, खाने को खाना मिल जा रहा, पहनने को कपड़ा मिल जा रहा, नहीं तो फिर नंगे होने की नौबत आ जाती थी, आंग के कपड़े उतर जाते थे। शुक्र करो अल्लाह का, शुक्र करो अल्लाह का,
एक अल्लाह की इबादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के जरिए सिक्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी शांति उन्नति सऊदी अरब में खतर बहरीन कुवैत यूएई में अल्हम्दुलिल्लाह जितना इस्लाम वहां पर अभी पूरा नहीं है तो इतना फैसिलिटीज है। तुम ना जाके संगिया टॉयलेट धो रहे वहां हम नौकरी दिए बोल के और अल्हम्दुलिल्लाह हम लिंचिंग में नहीं मारे किसी को। अरे हम सऊदी अरब वगैरह से तुम्हारे को बुला के नौकरियां दिया बोल के तुम्हारी जिंदगी चल रही नहीं तो गोबर खा के गौमूत्र पी के मर जाना पड़ता था यहां। मोदी भिखारी कर दिए तुम लोगों को रोजगार चले गया कंपनियां चले गए -25 जीडीपी हो गया महंगाई आसमान पर भिखारी कर दिया तुम्हारे को तुम्हारा गुरु मोदी। सऊदी अरब खतर बहरेन कुवैत वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दिया तो तुम वहां कमा लेके बच गए टॉयलेट धोके मनुसा नहीं तो यार गौमूत्र पीना गोबर खाना मर जाना यही था तुम्हारे मुकद्दर में। आज देखो एक लिंचिंग नहीं सऊदी अरब वगैरह में हम अल्लाह अकबर बोल के किसी गलदर नहीं काटे वहां। तुम दो कौड़ी के हरामी चार दिन हुआ हुकूमत में आके मासूमों को मारते किसानों को मजदूरों को एससी एसटी को बच्चियों का गैंग रेप करके मर्डर करते जुल्म याद रखो बर्बादी लाता अच्छे अच्छों को बर्बाद कर दिया तुम्हारे बाप रावण और कंस को बर्बाद करा ये छिट्टे अब्बा है तुम्हारे छिट्टे पप्पा है छिट्टे पिताजी यतीन्द्र सिंह के छिट्टे पिताजी रावण सातवें पिताजी कंस पुष्पेंद्र के छिट्टे पिताजी रावण सातवें पिताजी कंस तो पांच चाली है कभी कभी सात चाली है कभी कभी तुम देखो तुम्हारा कैसा तुमला बर्बादी लाते मासूमों पे। तो आज भी सऊदी अरब में इस्लाम है अमन सलामती शांति उन्नति 80% से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास देख लो क्या हाल चल रहा है यहां पर। तो समझ रहे भैया थोड़ा एक अल्लाह की इबादत आखिर नबी की इताअत समझ कामयाब हो जाएगा नहीं तो कुत्ते कैसी जिंदगी है सुअर कैसा मर जाएंगे। याद रखो कि चार मुसलमान बैठ जाएंगे दाढ़ी वाले और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें उसकी गर्दन चाहिए कि इन मुल्क जो है कोई इस्लामिक मुल्क है अगर इनको ये मुल्क पसंद नहीं है तो इस्लामिक मुल्क में जाए। पुष्पेंद्र बोल रहा तू कि इनको इस्लाम होना तो इस्लामिक कंट्री में जाओ। अरे पागल पूरी दुनिया पूरी कायनात हमारी है क्योंकि एक रब ने पैदा किया और हम उसी की पूजा करते हैं इसलिए हमारी है पूरी कायनात सूरज हमारे वास्ते चंद्रमा हमारे वास्ते पूरा संसार हमारे वास्ते और हम अल्लाह की इबादत के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए जानवर पूजा लिंगम पूजा पत्थर पूजा नहीं सूरज चांद तारों की पूजा नहीं वेदा गीता उपनिषद खिलाफ कुरान हदीस खिलाफ श्री राम श्री कृष्णा खिलाफ अल्लाह रसुल्ला खिलाफ इसके एक अल्लाह की इबादत श्री राम और श्री कृष्णा भी एक अल्लाह को पुकारते थे। इस्लामिक कंट्री बना के चिन्मयानंद से आसाराम गुरमीत राम से आश्रमों से मंदिरों से शमशान घाटों से बच्चियों को बचाना है जा रेप हो रहा गैंगरेप पूरा मर जा रहे बच्चियां जो क्राइम में नंबर वन हो गया भारत उसको क्राइम कम करना है गरीबी में नंबर वन हो गया गरीबी कम करना है भुखमरी में नंबर वन हो गया भुखमरी कम करना है बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान से पीछे कर दिया भारत को मनुसा आरएसएस बीजेपी के पनौती है साले तुम लोग आग लगा साले भारत किसान मर रहा जवान मर रहा मजदूर मर रहा एससी मर रहा एसटी मर रहा दलित मर रहा मुसलमान सिख जाट हिंदू सब परेशान तुम्हारे से थूक रहे तुम्हारे ऊपर। इसीलिए सऊदी अरब किसी इज्जत दौलत रुआब होना एक अल्लाह की इबादत आखिरी नबी मोहम्मद सल्लम की था। कैसा गुरु तुम्हारे मोदी ठहर के एक एक घंटा पहले सऊदी प्रिंस का वेलकम करते देखे पैरा पड़ना बाकी रह जाता सिजदा करना बाकी रह जाता इतना घुस जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह ये रुआ में रिलायंस खरीद ले रहे थे होशियारी करा दो जान दो बोले तो शेयर्स गिर गए तुम्हारे बीएससी सेंसेक्स गिर गया। समझ जाहिल मत बन इस्लाम आएगा शांति उन्नति तरक्की आएंगी कामयाबी आएंगी रेप मर्डर गरीबी भुखमरी खत्म होंगी सबको खाना मिलेगा सबको कपड़ा मिलेगा सबको तरक्की मिलेगी। सोचो इस्लाम लाओ अपने आप को बचाओ देश को बचाओ। I'm not afraid to